आप सभी को प्रणाम। नमक कौन सा लेना चाहिए खाने में और किस नमक में क्या लाभ आपको मिल सकते हैं? देखिए, आप जनरली जो सी सोल्ट खाते हैं, समुद्री नमक खाते हैं, उसमें कई तरह के ऐसे अवगुण होते हैं, जैसे आपके बीपी को बढ़ाने का एक गुण उसके अंदर होता है। यदि आपका बीपी कम रहता है तो आप उस समय जो समुद्री नमक है, सी सॉल्ट है, उसको आप पानी में मिलाकर आप पी सकते हैं, तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। यदि आपको वातपित्त कफ को बैलेंस करना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है कि आपके तीनों दोष बैलेंस रहे, ये दोष जब इनबैलेंस हो जाते हैं तो व्यक्ति बीमार हो जाता है, कई तरह के रोगों से वो घिर जाता है। तो इन रोगों से मुक्त होने के लिए आपको नमक, क्योंकि आप प्रतिदिन खाते हैं, नमक पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सेंधा नमक आपको प्रयोग करना चाहिए। आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं सेंधे नमक में जो गुण होते हैं वो होते हैं वातपित्त कफ को बैलेंस करने का। तो वातपित्त कफ बैलेंस रहेंगे तो आप निरोग रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका बीपी भी सामान्य रहेगा, बीपी ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो सेंधा नमक आपके लिए बहुत लाभकारी है, स्किन प्रॉब्लम को नहीं होने देता। आपको वाटर टेंशन की प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी सेंधा नमक बहुत हेल्पफुल है, आप सेंधा नमक ही प्रयोग करें।